नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 15 मार्च 2021। यूपी टेट परीक्षा जो है उसकी तिथि घोषित हो चुकी है। सभी जो तिथियां इससे संबंधित वो घोषित हो चुकी हैं, उसी के संबंध में नोटिफिकेशन जो है जारी किया गया है। लखनऊ से आपका यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। प्रेषक आपके हैं आरवी सिंह, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन और सेवा में महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ, बेसिक शिक्षा विभाग को संबोधित करते हुए लिखा गया। इसमें लिखा है उत्तर प्रदेश, विषय जो है इसका उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020। आपकी 2020 वाली परीक्षा हुई नहीं था ना, इसीलिए 2020 लिखा है। इसके आयोजन हेतु संशोधित परीक्षा कार्यक्रम या फिर समय सारणी। महोदय लिखा है कि उपयुक्त विषयक सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज के पत्रांक संख्या लिखी है 22 फरवरी 2021, जिसके द्वारा आगामी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 की परीक्षा तिथि दिनांक 25/7/2021 प्रस्तावित करते हुए संशोधित परीक्षा कार्यक्रम या समय सारणी संलग्न करके अग्रतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई है। कृपया यहाँ पर संदर्भ करने ग्रहण करने की बात की गई है। तो तारीख है आपकी 25 जुलाई 2021 की। जिन्होंने अभी तक नहीं दिया है यूपी टेट, उनके लिए अच्छा मौका है, अच्छा खासा समय है। आगे भी लिखा है, संबंध मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारों उपरांत आगामी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन हेतु निम्नलिखित परीक्षा कार्यक्रम समय सारणी पर अनुमोदन प्रदान किया जाता है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 दिनांक 25/7/2021 को संपन्न होगी और परीक्षा फल जो है 20/8/2021 यानी कि 20 अगस्त 2021 को जारी किया जाएगा। सभी देखिए तारीख लिखी है। विज्ञापन का प्रकाशन 11/5/2021 को आपका होगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा वो 18/5/2021 से आपका अपराहन से स्टार्ट हो जाएगा। अपराहन मतलब पीएम से, पूर्वाहन मतलब एएम होता है। रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट होगी वो 1/6/2021 होगी। तो अच्छा खासा समय आपको दिया जाएगा, पर बहुत ज्यादा नहीं दिया जाएगा। देखिए इस 18 से इस 1 के बीच में ज्यादा समय नहीं है। फिर आवेदन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 2/6/2021 होगी। आवेदन पूरा करने और प्रिंटआउट लेने की अंतिम तिथि 3/6/2021 होगी। परीक्षा केंद्र के जो निर्धारण है उसके लिए जनपद के आवेदक की संख्या की सूचना सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश द्वारा जो है वो विद्यालय निरीक्षक को प्रेषित करने की तिथि 4/6/2021 होगी। जनपद स्तर पर जनपदीय जो समिति है उनके द्वारा परीक्षा केंद्र निर्धारित करने की तिथि 15/6/2021 होगी और जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केंद्र निर्धारित करके केंद्रों की सूची छात्र आवंटन सहित हार्ड और सॉफ्ट कॉपी दोनों सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज को उपलब्ध कराने की तिथि 17/6/2021 जो है वो होगी। साथ ही साथ केंद्रों की सॉफ्ट कॉपी NIC लखनऊ को भेजने की वो यहाँ पर तारीखें दे रखी है। इसी प्रकार और भी आगे अलग अलग तिथि जो है वो दे रखी है, जो आपसे ज्यादा इतना मतलब नहीं है। मेन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट डेट है वो है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की तिथि, जो कि 25/7/2021 है। पहली जो पाली है उसमें प्राथमिक स्तर का पेपर होगा, समय 10 से 12:30 बजे। दूसरी जो पाली है उसमें उच्च प्राथमिक स्तर होगा, समय 2:30 से 5 बजे। साथ ही साथ परीक्षा समाप्ति के बाद की जो तिथि है उसमें जो उत्तर माला है उसको वेबसाइट पर जारी जो है 29/7/2021 को कर दिया जाएगा, यानी कि 2 दिन बाद ही। साथ ही साथ वेबसाइट पर जारी उत्तर माला पर ऑनलाइन आपत्ति 2/8/2021 तक लिए जाएंगे। प्राप्त आपत्ति पर विषय विशेषज्ञ की समिति गठित करके उसका जो निराकरण है वो 16/8/2021 तक किया जाएगा। साथ ही साथ फिर 18/8/2021 को उत्तर माला उसको देख रेख करके उसे वेबसाइट पर डाला जाएगा और फिर लास्ट में जो संशोधित उत्तरमाला है उसके अनुसार मूल्यांकन करा के परीक्षा फल घोषित किया जाएगा, वो है 20/8/2021। और परीक्षा फल घोषित होने के 1 माह के अंदर परीक्षा फल घोषित होने के बाद जो प्रमाण पत्र है वो निर्गत करने की तिथि इसमें लिखी गई है। बाकी यहाँ पर सभी जो है उनके नाम दे रखे हैं, बाकी यहाँ पर सारी चीज़ें दे रखी हैं। यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। जिसको ये परीक्षा देनी है अभी से एकदम जुट जाइए, क्योंकि परीक्षा का जो लेवल था पिछली बार का काफ़ी अच्छा था। NCERT बेस्ड काफ़ी चीज़ें पूछी गई थी, तो NCERT किताबें आप चाहें तो अलग से पढ़ सकते हैं। और जो जूनियर एडेड जो आपकी वैकेंसी निकली उसके लिए प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा टारगेट जो है वो हो सकता है। तो यही था हमारे इस वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर भी अवश्य करिएगा। तो मिलते हैं चले अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।